जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, मेरे चैनल होम गार्डन में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा गार्डन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नए हैं तो देखिए, मैं आज आपको बताऊंगी कि मेरे गार्डन में मैंने जो भी पौधे लगा रखे हैं उसकी मिट्टी मैंने किस तरह से तैयार करी ताकि मेरे पौधे बहुत अच्छे से हेल्दी और बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाए। तो देखिए, इसके लिए आपको अच्छी मिट्टी तैयार करनी होती है और लाइट मिट्टी जितनी हल्की और भुरभुरी होगी उतने ही अच्छे से पौधे ग्रो होंगे। तो देखिए, मैंने ये अपराजिता की बेल लगाई है, उसकी मिट्टी भी मैंने इसी तरह से तैयार करी थी। तो देख ही पा रहे हैं आप, इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है और फूलों की साइज़ भी अच्छी है और उनकी ग्रोथ भी देख पा रहे हैं आप अपराजिता की। और इसमें देखिए, पत्तियों का कलर भी बहुत अच्छा है। तो देखिए, जितने भी हमारे किचन से निकलने वाला कचरा रहता है या गार्डन से निकलने वाला कचरा रहता है उसी का यूज़ करके हम मिट्टी तैयार करते हैं। इससे हमारी मिट्टी लाइट वेट होती है और वो बहुत ही उपजाऊ भी होती है। तो इसके लिए आपको अलग से कोई खाद भी नहीं डालनी होती है। तो आज मैं वापस से तैयार कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें लगाना है विंटर सीजन के प्लांट। तो देखिए, इसके लिए मैं एक महीने पहले से मिट्टी तैयार करनी होती है ताकि अच्छे से डिकम्पोज होके और हमारी मिट्टी अच्छे से तैयार हो, खादयुक्त हो। तो देखिए, जितनी भी मेरे पास गार्डन से निकलने वाली बेलें थी और फूल वगैरह थे, ये मुझे किसी ने दिए हैं। तो फूल वगैरह या आपके पास जो भी पत्तियाँ हैं, सब्जियों के छिलके हैं, फ्रूट के छिलके हैं, तो वो सारे यूज़ कर सकते हैं आप इस तरह से मिट्टी बनाने में। अगर आप गार्डन से मिट्टी लाते हैं तो उसमें थोड़ी सी रेत की मात्रा ज़रूर मिलाएं ताकि आपकी मिट्टी हल्की चिकनी नहीं रहे। और देखिए, इस तरह से आपको आपका पॉट फिल करना है और इसे एक डेढ़ महीने के लिए ऐसे ही छोड़ दें। तो इस तरह से आप मिट्टी तैयार करें तो बहुत ही अच्छी मिट्टी तैयार होगी आपकी और इसमें आपको अलग से खाद डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि ये जो हम डाल रहे हैं वो सब डिकम्पोज होकर खाद बन जाएगी और वो मिट्टी भी उर्वरक हो जाएगी। तो इस तरह से आप अगर अपने गार्डन को तैयार करते हैं तो उससे पौधे की हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है और अच्छे से ग्रोथ भी होती है और आप देख पाएंगे कि आपको अलग से कोई मेहनत नहीं करनी होती है। तो देखिए, इस तरह से आप भी अपने गार्डन को सजा सकते हैं और इससे आपके मिट्टी भी कम लगती है क्योंकि आधा पॉट तो इससे से फिल हो जाएगा। तो आप इस तरह से पॉट फिल भी कर सकते हैं और उसमें पौधे लगा सकते हैं। अगर आपका पॉट बड़ा है तो आप इस तरह से नीचे सूखी पत्तियाँ, गीली पत्तियाँ वगैरह डाल करके आधा इससे भर दें और उससे ऊपर से मिट्टी डाल करके आप पौधा लगा सकते हैं डायरेक्ट भी, और इस तरह से भी तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, जितना भी मेरे पास था वेस्ट मटेरियल वो सारा डाल करके और मैंने इसे कवर कर दिया है। और उसके बाद इसमें पानी डालना है आपको, जब भी आपको मिट्टी सूखी लगे तो पानी डालें। और देखिए, इस तरह से तैयार हो जाती है खाद। तो आप डायरेक्ट भी इसमें पौधा लगा सकते हैं बाद में, एक डेढ़ महीने बाद, और या फिर आपको इसमें थोड़ी और मिट्टी मिला करके, थोड़ी सी नीम खली मिलाएं और थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर मिला करके मिट्टी तैयार करें। इससे आपके पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी।